सबसे पहले बिफोर स्टडिंग दी एटम्स लेट स्टडी दी व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, डाल्टन थ्योरी के पॉसिबिलिटीज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज मैं हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक मास। ओके, सो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। एक एटम का जो मास होता है वो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो उसका एटॉमिक मास है। सिंपल तो लैंग्वेज में यही समझ में आ रहा है एटॉमिक मास से, लेकिन एक्चुअल में एटॉमिक मास है क्या और एटॉमिक मास कैसे हमें पता लगाया गया, उसको हम लोग जरा डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लेट सपोज हमारे पास कोई एक हमारे पास सपोज कीजिए कि कोई एक एटम है, ठीक है। अब एक एटम का मास को वजन करने के लिए ना हमें कोई एक एटम के बराबर का साइज का एक कंपेयरिंग क्वांटिटी चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि अगर मुझे एक चींटी का वेट मेजर करना है तो मैं चींटी का वेट अगर एक तरफ रखता हूँ एक चींटी को, ठीक है, एक तरफ तराजू में मैं रखता हूँ एक चींटी को और दूसरी तरफ मैं तराजू में रखता हूँ 1 लाख हाथी के वेट को या 1,000 हाथी के वेट को। तो एक तरफ चींटी, इवन एक हाथी भी मैं उस तरफ रखूंगा तो वो कोई कंपेरेबल क्वांटिटी नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज जस्ट यू वॉन्ट टू बाई सम गोल्ड और ऑर्नामेंट्स। आप ज्वेलर के पास गए और आपने उससे बोला कि आप जो है वेइंग बैलेंस वाला यूज करेंगे, जिसमें यहाँ पर बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज का वेट होता है, जिसमें 5-6 किलो तो आप पता ही नहीं चलता कि 1-2 किलो कम है या ज्यादा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1-2 किलो सोना तो बहुत ज्यादा, 1 ग्राम ही सोने से फर्क पड़ता है। तो हमें जो है सोना लेने के लिए ऐसा अपरेटस चाहिए जो बहुत प्रिसाइजली मेजर करे और जो बहुत, ठीक है। तो इसी तरह से एटम का वेट को मेजर करने के लिए कि एक एटम कितना बड़ा है उसको मेजर करने के लिए हमें एटमिक साइज के बराबर का एक छोटा वेट चाहिए होगा। अब इतना छोटा वेट तो पॉसिबल नहीं है, इवन कि अगर मैंने एक एटम को एक तरफ रखा, ठीक है, एक एटम को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ मैंने एक हेयर हेयर के मास को रखा, हेयर जितना मास यानी कट करके उसे हेयर को भी पूरा नहीं कट करके, तो वो भी ऐसा होगा कि एक तरफ तुमने एक चींटी को रखा और दूसरी तरफ 10-15 लाख हाथी रखे हो, हाथी 10-15 लाख हाथी। इवन अ हेयर कैन हैव बिलियंस ऑफ एटम्स, बहुत एटम्स हो सकते हैं एक एक बाल के अंदर। तो एक एटम के मास को मेजर करने के लिए हमें एक एटॉमिक साइज चाहिए होगा जो बहुत छोटा साइज का हो, यानी जो जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते, समझ आया, वी कैन कंपेयर। तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर अगर मैंने एक एटम की बात करी और वो हमने ले लिया एटम्स, अब उसका एटम को वेट को मेजर करने के लिए ना हम लोग को एटम के साइज के बराबर में कोई चाहिए, तो हमने पहले एक हाइड्रोजन एटम को एज एन स्टैंडर्ड यूनिट कंपेयरिंग क्वांटिटी माना। देखो जैसे कोई भी चीज आप मेजर करते हो, आपने कोई चीज मार्केट में ली तो आपने 1 लीटर अगर सपोज करो पेट्रोल लिया, 1 लीटर पेट्रोल एक कंपेरेबल क्वांटिटी है, आपने पहले एक स्टैंडर्ड माना कि 1 लीटर सब्सटेंस जो है वो इतना होगा, उसका वॉल्यूम इतना होगा और इस मग के अंदर जितना सामान आएगा वो 1 लीटर माना जाएगा। तो आपने एक मग बना लिया जिससे दूध वाला लेके आता है, दूध मेजर करता है, तो इस तरह से वो 1 लीटर हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि 1 लीटर, एक मीटर भी एक ऐसी मीटर भी, अगर आपने सपोज करो आप 500 मीटर, मैं पूछूं आप कितना दूर चले तो आप बोलेंगे मैं 500 मीटर चल के आया। 500 मीटर मतलब यू हैव अ स्केल, आपके पास एक स्केल है, आपने उससे कंपेयर करोगे तो 500 बार ऐसे ऐसे करके जा सकते हो, दैट मीन्स 500 मीटर्स। वेट भी ऐसे ही है कि आपने एक स्टैंडर्ड 1 kg वेट मान लिया, आपके पास अगर 10 kg वेट है उसका मतलब 10 गुना उसका, आपके पास अगर 100 ग्राम मास है तो वेट है तो मतलब आप वो 1/10 ऑफ दैट पार्ट। तो एवरीथिंग दैट यू मेजर इन फिजिक्स इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, दैट इज अ कंपेरेबल क्वांटिटी, जिसको आप कंपेयर करो। पहले आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसके स्टैंडर्ड के बाद आपने उससे कंपेयर किया कि उसके कितने टाइम्स है। तो सिमिलरली अगर मुझे एक एटम के मास को मेजर करना है तो एटम के मास को मेजर करने के लिए मुझे एटम के साइज का एक पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना पड़ेगा, उससे कंपेयर करेंगे कि भाई जैसे सपोज करो मैंने हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया, अब मैंने माना कि सपोज करो मैग्नीशियम एटम है तो मैग्नीशियम का एटम जो है वो 24 हाइड्रोजन एटम के साइज के बराबर, मास के बराबर है, तो मैंने बोला कि मैग्नीशियम का जो मास हुआ वो 24 टाइम्स ही मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ,
यही तो मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का जो मास है वो 24 टाइम्स दी हाइड्रोजन के मास के बराबर है। अगर मैंने हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड यूनिट, तो पहले तो हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया था, उसके बाद कुछ वजहों की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है और हाइड्रोजन जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। अब ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग हाइड्रोजन को एक तरफ एक तराजू बना ले, हाइड्रोजन के एटम को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ हम लोग मैग्नीशियम या कार्बन के एटम को रखें। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है जिसमें दो एटम्स कंबाइन करने चाहिए, उसके बाद उनका वेट को हम लोग मेजर करते हैं। तो ये एक अलग मेथड है, इट इज नॉट जस्ट लाइक सब्जी वाला, एक तरफ उसने बाट रख दिया दूसरी तरफ आपने सब्जी रख दी और फिर वो दे स्टार्ट मेजरिंग दिस, दैट इज नॉट सो, दैट इज डिफरेंट। तो अब होता क्या है कि सपोज करो हमारे पास, हमने माना हाइड्रोजन एटम्स को, हाइड्रोजन एटम को क्योंकि हाइड्रोजन एटम छोटा है और हाइड्रोजन एटम सिर्फ कैल्शियम और ये छोटे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना पाता है। अगर मेरे पास कोई बड़ा एलिमेंट है जैसे इरिडियम हुआ जैसे, तो उनका साइज बहुत बड़ा है तो इनके बीच में स्टेबल बॉन्ड नहीं बन पाता, न्यूक्लियस की इंट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होता। हाइड्रोजन कैन मेक बॉन्ड विद ऑक्सीजन, थोड़ा सा बड़ा है चलो ठीक है यहाँ बन बन जाएगा बॉन्ड, लेकिन एक बहुत बड़े साइज के एटम के साथ नहीं बन पाता, तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन मतलब यूजफुल नहीं हो पा रहा था हर एक एलिमेंट के मेजर को, एलिमेंट के मास को मेजर करने। इसी तरह से ऑक्सीजन को रखा गया, उसके बाद ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को भी ऑक्सीजन के फायदे थे कि ऑक्सीजन को जब हमने रखा तो ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे एलिमेंट के जो मास थे वो एक होल नंबर में आने लगे थे और ऑक्सीजन जल्दी से कंबाइन भी करता था दूसरे के साथ, लेकिन कुछ वजहों की वजह से ऑक्सीजन को भी हटा दिया गया। फाइनली वी सेट वी चूज कार्बन फॉर मेजरिंग, कार्बन एटम फॉर मेजरिंग द स्टैंडर्ड यूनिट। तो हमने जब कार्बन एटम को माना, ठीक है, तो कार्बन एटम को मानने के बाद हमने देखा कि एक कार्बन एटम, वन कार्बन एटम इज इक्वल्स टू द मास ऑफ 12 हाइड्रोजन एटम के बराबर है। तो अब हमारे ये तो दिक्कत सॉल्व हो गई कि भाई कार्बन को हमने चूज कर लिया क्योंकि कार्बन के साथ सब कुछ सेट हो रहा है बढ़िया, कार्बन जो है वो हर किसी के साथ, कार्बन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। कार्बन के पास कुछ बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसलिए कार्बन को चूज किया गया। दैट वी गोइंग टू स्टडी इन कार्बन कंपाउंड चैप्टर इन द 10th स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास में पढ़ेंगे इसको। बहरहाल कार्बन को किसी वजह से चूज कर लिया गया, वी चूज कार्बन फॉर सम रीजंस एंड दैट वी सेट एज अ पार्टिकल फॉर कंपेयरिंग द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। बट यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही थी कि कार्बन जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है। मान लेते मुझे एक हाइड्रोजन के एटम का मास चूज करना होगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि हाइड्रोजन का एटम का जो मास है वो कितना होगा, वन हाइड्रोजन एटम का मास। तो अगर 12 कार्बन 12 यानी एक कार्बन एटम का मास अगर 12 हाइड्रोजन एटम के बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि 1 हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वो कितने कितने कार्बन के बराबर होगा, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 बार बार मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि कार्बन दो बार होता है, कार्बन दो तरह के आइसोटोप्स फॉर्म करता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो हमने कार्बन 12 को चूज किया, कार्बन 14 को चूज नहीं किया, तो 1/12 हो गया। अब ये 1/12 की वैल्यू क्या होगी, अगर तुम निकालोगे 1/12 तो मतलब ये हो गया तुम्हारा 1/12.0, फिर 0 12 तो 0.08, ये कोई मास नहीं हुआ, मतलब पहले ही मास जो है वो 1 से कम बैठ रहा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि 0.0128 जो है वो मास है हाइड्रोजन का। और फिर इस तरह से ना सब सारे मास जो है वो ज्यादातर डेसिबल्स में ही आ रहे थे सबके, मतलब बहुत सारे क्वांटिटीज। तो हमने क्या किया कि कम से कम जो सबसे छोटा एटम है उसका मास तो कम से कम एक होल नंबर में आए। तो हमने क्या किया, जो ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 एटम जो, इसको हमने 12 पीसेस में, इमेजिनरी 12 पीसेस में तोड़ लिया। टूटता नहीं है हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, लेकिन जस्ट इमेजिन वी हैव अ पिज्जा, जैसे पिज्जा होता है घर में, पिज्जे के फ्रैक्शन को काट लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक वो फ्रैक्शन पार्ट है जो कि अगर हम लोग इसके वी इफ वी डिवाइड इट इनटू 12 पार्ट्स, तो ये 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट है, दिस इज द 1/12 पार्ट, ओके, दिस इज द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। और अगर ये 1/12 पार्ट है किसका, कार्बन 12 एटम का, तो इसी को हमने बना लिया कि स्टैंडर्ड यूनिट। सुनते रहना कि हमने 1/12 कि अगर हम लोग कार्बन के पूरे एटम को ना माने, उसकी सिर्फ एक स्ट्रिप जो 1/12 पार्ट है उसी को स्टैंडर्ड यूनिट मान ले कंपेयर करने के लिए, ठीक है, नॉट द होल वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन होता है। अब वाटरमेलन जो है वो बहुत बड़ा साइज का तो हम तो नहीं माना, हम कहते उसका एक पीस काट लेते हैं 1/12 पीस और उसी को मान लेते हैं कि भाई आज से ये जो होगा ये कार्बन का बताया। तो लाइक इन द एनसीईआरटी शोन, दैट विल शो यू हियर,
से तरबूज है यहाँ दिखाया गया है, तो हमने एक पूरे तरबूज को नहीं माना है, हमने उसके एक 1/12 पार्ट को मान लिया, और फिर दूसरी तरफ रखा सेब कि भाई एक वाटरमेलन जो है वो दो, उसमें दो आ रहे, तो उसका इस तरह से हमने कंपेयर करना शुरू किया, 1/12 पार्ट को मान लिया। तो जिसे जस्ट इमेजिनरी मास, यू कैन नॉट ड्रॉप द एटम ऑफ कार्बन इनटू 12 पार्ट, इट इज जस्ट इमेजिनरी पोर्शन। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जब हमने वी हैव जस्ट फाइंड फाउंड आउट दैट दिस इज द 1/12 पार्ट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कंपेयरिंग द मास ऑफ अदर एटम। तो अगर मैं 1/12 पार्ट को मान लूंगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि 1/12 पार्ट जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है। क्या हुआ अगर हम बोला वन हाइड्रोजन एटम हैज अ मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, फिर हमने अलग अलग तरह से करना देखा, हमने देखा कि मैग्नीशियम का जो मास है, वन मैग्नीशियम एटम हैज अ मास ऑफ 24 टाइम्स द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा कि कैल्शियम का जो मास है, वन कैल्शियम एटम का जो मास है वो है 40 टाइम्स द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इस तरह से हमने, अब बार बार ये लिखना कि 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो हमने इसको लिखने का तरीका बनाया कि इस मास को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट मास, इस मास को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट मास। भारती, यू अंडरस्टूड हिंदी एंड यू सारा? यस सर, तो ये जो हमारे पास दिस मास, बार बार एक ही चीज को, मास को बार बार 1/12 वर्ड में, तो हमने इसको बोला कि आज से इसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। तो वी रिमूव दिस नेम बाय अ स्पेशलाइज्ड नेम दैट इज EMU, एटॉमिक मास यूनिट। समझ आया? एटॉमिक मास यूनिट। सो हमने बोला कि कैल्शियम का जो एटम का जो मास होगा वो कितना होगा, दैट इज 40 AMU, एंड AMU क्या है, इट इज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। समझ आया? समझ आया? तो बार बार हम एक चीज को बार बार 1/12 कार्बन 12 एटम बार बार बताया, तो इसको हमने AMU रख दिया। ठीक है, बाद में जब डिस्कवरीज हुई, ध्यान समझना बेटा, बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो ये तो मास अभी हमें अभी ग्राम में नहीं मिल रहा है, अभी ग्राम में नहीं मिला, अभी हमें एमयू मिला, यानी कार्बन के 12 के उसमें। बाद में जब डिस्कवरीज हुई, इसके अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे मेथड्स, अलग अलग मेथड्स आए, तो हमने इस मास को एक्चुअल में ग्राम्स में कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट कर लिया कि हमने देखा कि वन कार्बन एटम का जो मास है, वन कार्बन एटम का जो मास है इन ग्राम्स स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हमने पता लगाया, दैट इज 1.99 × 10⁻²⁰ −1.99 × 10, यानी 2 अप्रोक्सीमेट × 10⁻²⁰ ग्राम्स, इतना हमने ग्राम से पता लगा लिया। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि अगर हमने एक मास को, जो कि हम लोग मास को ग्राम में कन्वर्ट, तो ग्राम में हम लोग हर चीज ग्राम में मेजर करते हो, मार्केट से कोई सामान ले आएंगे ग्राम में ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि वन कार्बन एटम इन ग्राम्स इज इक्वल टू 1.9 × 10⁻²⁰ ग्राम्स। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी हमारी, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी, दैट इज द 1/12 पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो हम लोग कहते हैं कि 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन ग्राम्स इज इक्वल टू 1.99 × 10⁻²⁰। फिर जब इसको कट किया हमने, तो हमने देखा दैट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁴, ये वैल्यू होगी, एक पावर और बढ़ जाएगी। तो ये हमें मिला इन ग्राम्स में, तो ये चीज क्या थी, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये था 1 AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट। जो वन एटॉमिक मास यूनिट की ग्राम्स में जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। समझ आया? इसी को मैं केजी में कन्वर्ट कर दूंगा तो 1.67 × 10⁻²⁷ kg हो जाएगा, और 1000 से डिवाइड कर दो इसको। अंडरस्टूड? यस और नो? तो व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज वन? आना बार बार कैमरा क्यों बंद कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, क्या हुआ, कैसे बंद कर रही हो कैमरा? सर मैं तो बंद कर ही नहीं रही, वो पता नहीं क्यों ऐसे शायद टच होके लैग कर जा रहा है टेबल से। अच्छा ठीक है, तो वन कार्बन एटम जो है वो
वन एमयू इज इक्वल टू, तो वन एटॉमिक मास एनर्जी जो वैल्यू होती है इन ग्राम्स में होती है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, गॉट इट। लेकिन हम लोग जितने भी मास कैलकुलेट करते हैं एक एटम के, वो किस में भी करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट एमयू में ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कैल्शियम का एक एटम का मास कितना है, दैट इज 40 AMU, कैल्शियम का एक एटम का मास कितना है 40 AMU, तो इसको अगर मुझे ग्राम्स में करना है तो मैं क्या करूंगा, 40 × 1.67 × 10⁻², ये मुझे ग्राम्स में दे देगा। समझ में आया, यस और नो? सो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज एटॉमिक मास, सो एटॉमिक मास और व्हाट डज एटॉमिक मास, व्हाट इज एएमयू एंड व्हाट डज इट टेल्स अस, सो एटॉमिक मास यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम्स एंड इट टेल्स अस दैट हाउ मच टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन द मास ऑफ 1/12 कार्बन 12 एटम, कि कितने गुना एक एटम जो है वो भारी है किससे, द मास ऑफ 1/12 द कार्बन 12 एटम। अगर हम लोग एक कार्बन 12 के 12 पीसेस कर लें तो एक पीस जो है उससे कितने गुना ज्यादा भारी है, सिर्फ मैग्नीशियम जो है वो 24 टाइम्स भारी है, 24 पीसेस कैन कम्स ऑफ सच पार्ट। सोडियम जो है वो 23 टाइम्स है, कैल्शियम जो है 43 टाइम्स है, आयरन 56 टाइम्स है, तो दैट इज द एटॉमिक मास। ओके सो लेट्स यू राइट द डेफिनेशन फॉर द एटॉमिक मास यूनिट प्रॉपरली। राइट डाउन दिस वन, एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास। फिर बाद में ना एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल ना बाद में यू से रिप्रेजेंट होने लगा, एएमयू की जगह ना यू यू यूज होने लगा, क्यों, क्योंकि इसका भी एक वजह है, इसको यू से यूनिफाइड मास हम लोग बोलते हैं। ये सब लिखना है तुम्हें,
डन। यस सर। यस सर। नोट इट डाउन, नोट द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ डिफरेंट सम एलिमेंट्स। आई एम राइटिंग सम मोर कार्बन कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लिथियम Li7। एल्यूमिनियम Al27। आयरन Fe56। कॉपर Cu63। पोटेशियम K39। डन। यस सर। मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास एंड दीज ऑल। आई एम गोइंग टू आस्क यू, लिसन इट फ्रॉम यू। मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट एंड एटॉमिक मास एंड दीज एटॉमिक मासेस। व्हेन यू राइट इट आई विल आस्क यू।
मेमोराइज्ड। दान सारा एंड भारती एंड अनम, यू डन मेमोराइज्ड। व्हाट इज एटॉमिक मास? अरे किसी को याद नहीं हुआ? मास ऑफ एन एटम ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट एटॉमिक मास. ओके, एंड व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 ऑफ एन But you can simply एटम. say that it tells us that how much times an atom is heavier than the mass of 1/12 the carbon 12. Yes, you Bharti, what is atomic mass unit? Atomic mass unit is defined as a quantity of mass equal to the 1/12th of mass of an atom of a carbon 12. How much an atom is heavier than the 1/12th of mass of an atom of carbon 12? The atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1/12th of the mass of an atom of carbon 12. Very good. And what is the mass of calcium? 40. Yes, you Sara. What is the mass of oxygen? 16. Yes, you Bharti. What is the mass of nitrogen? 40. Ekana, what is the mass of sulfur? 32. 32. Yes, you Sara. What is the mass of what is the mass of iron? 56. And magnesium?
24 यस भारती, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम? 27 U. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स? लाइक लेट अस डिस्कस before this before going to calculation of mass, let's study about the atoms and molecules. What are the atoms and what are molecules? Molecules, atoms we have discussed on the previous topic, that atoms are the individual particles that do not break in the chemical reaction. It is the smallest particle and they participate in the chemical reactions. Now molecule, what is molecule? A molecule is a group of two or more atoms which are generally bonded to each other. And these atoms can be similar or dissimilar. Depending on the type, if the atoms are similar, like oxygen, oxygen, nitrogen, nitrogen, atoms are bonded, hydrogen, hydrogen bonded, atoms are bonded together. So these atoms are bonded together, they are the similar atoms. And similar atoms forms homoatomic molecule. Homo means same, atomic molecule. And homoatomic molecules, since they consist of only one kinds of particle, and you know that element consists of one kind of particles. So these are the molecule of elements. These are the molecule of elements. Homoatomic molecules are the molecule of elements. Understood? And heteroatomic molecules, like for example, two hydrogen atom combined with oxygen atoms. Okay, like two hydrogen atom combined with oxygen atoms, like in sulfur dioxide or sulfur trioxides. Like in carbon dioxide, one carbon atom combined with two oxygen atoms. So we'll simply say that since this molecule, this is a molecule, but here you see that more than one kinds of atoms are chemically combined together. So when more than different kinds of atoms are chemically combined together, these are the molecule of compound, because this water is a compound. We have studied this one, but in compounds, more than one kinds of particles or atoms combined together in a fixed ratio by mass, they form compound. So these are the compounds, these are the molecule of compound, and these are the molecule of element. And such type of molecule like H2O, like CO2, like SO2, okay, these are the molecule of compound. These are the molecule like NaCl, okay, H2SO4, sulfuric acid, okay, HCl. These are the molecule of, like one hydrogen atom, one chlorine atom, they combine together, they form molecule. These are the molecule of compound. And these are heteroatomic. Hetero means different. Different atoms are there, okay? So, write down this one, molecule. And molecule is smallest particle of matter, except the elements. Except the elements. Because in elements, atoms are the smallest. Note these 2 points and then write homoatomic molecule and heteroatomic molecule.
डन। यस सर। अच्छा तो होम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, ओके दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली द दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन सॉरी एटम्स और सॉरी एलिमेंट्स, एंड हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एग्जांपल्स यू कैन राइट इट, मॉलिक्यूल्स हैव होम एटॉमिक मॉलिक्यूल, मेक दिस टेबल चार्ट इन द फास्ट Make it fast. उसके बाद ना ये एटोमिसिटी का भी चार्ट को कॉपी कीजिएगा। आई एम जस्ट कमिंग बैक इन 2 मिनट्स। ओके तो इसको एटोमिसिटी को भी लिखिएगा उसके यहाँ पे, फिर एटोमिसिटी को याद भी करना है, दैट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, कोई लीव नहीं करेगा ठीक है। सो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल सल्फर में जिस तरह मतलब, और ये सिर्फ एलिमेंट्स में होती है एटॉमिसिटी, दिस डज नॉट अकर्स इन दी वी कैन से दैट ये उसमें नहीं होती है कंपाउंड्स में। लाइक अगर मैंने बोला कार्बन की कितनी एटॉमिसिटी है, अपने आप कितने एटम से कंबाइन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। लाइक फॉर एग्जांपल सल्फर कैन कंबाइन विद 8 सल्फर एटम्स, ऑक्सीजन कैन कंबाइन मैक्सिमम विद 3 ऑक्सीजन एटम्स, इन O2 इट इज 2, सो नोट इट डाउन। बट इन कार्बन डाइऑक्साइड इफ आई एम सेइंग CO2, ऐसे नहीं होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर तीन तीन एटॉमिसिटी है, नहीं, एटॉमिसिटी इज ओनली फॉर द एलिमेंट्स। नोट इट डाउन, जस्ट कमिंग बैक इन 2 मिनट्स।
Yes, you're done. यस सर। सबने मिल गया, बताइए व्हाट इज एटॉमिसिटी की डेफिनेशन, बताइए क्या हो The गया। number number of elements present in one molecule of an number of atoms present in one molecule of an element is called as its atomicity. Number of atom present in the homo atomic molecule is called atomicity. Okay. और जो नॉबल गैसेस होती है उसमें एक ही एटम होता है तो वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट करती है, वन होती है। नोट डाउन कर लिया सबने। डांस मॉलिक्यूलर मास निकालना ना बहुत आसान है, इसको हम लोग अगर देखे तो भारतीय दिख लिया बेटा। मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत आसान था, जैसे कि सपोज करो कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है, एक तरफ मैंने लेता हूँ अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ब्रैकेट में होल ट्वाइस है ना, तो मतलब जो भी NH4 का मास आएगा अलग से निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ NH4 एंड देन सल्फेट आयन प्लस सल्फेट आयन। 2 टाइम्स ऑफ NH4 का मास होगा 14 प्लस एक हाइड्रोजन आयन का मास कितना होता है 1, तो 4 एट 4 का कितना होगा 4 × 1 प्लस एक सल्फर आइटम का मास कितना होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन आइटम का मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन आइटम है 4, 2 से सिर्फ इसी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई की हुई क्योंकि यही ब्रैकेट में है, ये नहीं है। अब 4 × 1 = 4 एंड 14 18 हो जाएगा, 18 × 2 = 36 प्लस 32 प्लस 16 × 4 = 64 32 128 132। इसी तरह से इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो अलग अलग, कैल्शियम का मास 40 प्लस कार्बन का मास 12 और 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 मास। अंडरस्टूड यस और नो? डन अनम यस सर।